हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं पवन तिवारी चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो यहां से आप ज्यामिति पार्ट देख रहे हैं, जिसका लेक्चर तीसरा मैं लेकर भाग तीसरा लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और यहां से आप देख पा रहे हैं, मैंने एक टॉपिक लिया रेखा और कोण। कुल मिला के आप पिछले दो भाग, भाग वन और भाग दो में आपने बहुभुज तथा कोण को समझा, अब रेखा और कोण। अब इसको यदि कंबाइन कर दें तो ये टॉपिक हो जाता है रेखा, कोण और बहुभुज, लाइन, एंगल एंड पॉलीगन। मैंने शुरू में ही बता दिया था कि टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और श्योर कह सकते हैं कि एक अनिवार्य प्रश्न आपके परीक्षा यूपी टेट और सुपर टेट दोनों में ये बराबर बनता है। इस टॉपिक की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है, कहीं से भी भाग को इग्नोर नहीं करें। और एक चीज़ और, आज जो भाग तीसरे से जुड़ पा रहे हैं, लेक्चर तीसरा आज जो देख पा रहे हैं, उनके लिए सलाह मेरा ये होगा कि भाग वन और भाग दो अवश्य देखें, क्योंकि वहाँ से ही प्रश्न पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ये देखिए, भाग वन भाग दो जो प्रश्न पूछे जाएंगे, इन दो से पॉसिबिलिटी आपकी 90% है, जो मैंने कहा एक प्रश्न से और है। यहाँ से भी प्रश्न आपके बनते, ऐसा नहीं कि मैंने 90 वहाँ कर दिया तो 10% का मतलब पढ़े ही ना, आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा, आपको ये तो पढ़ना ही है। तो चलिए ये भाग देखते हैं, आसान कॉन्सेप्ट होगा, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं फिर उससे रिलेटेड फिर प्रश्न की हम बात करेंगे। चलिए ध्यान देना, मैंने एक हेडिंग किया है अंतःकोण, बहिष्कोण, संगत कोण और एकांतर कोण में संबंध, रिलेशन इन इंटीरियर कॉमा एक्सटीरियर कॉमा करेस्पॉन्डिंग एंड अल्टरनेट एंगल। इन कोणों में संबंध क्या है, हम इसे क्रमबद्ध समझेंगे। पहले ध्यान देना, जैसे दो समांतर रेखा है और एक तिरछी रेखा स्लॉट लाइन दोनों को प्रतिच्छेद कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे ध्यान देना, ये दोनों पैरेलल लाइन है, दो समांतर रेखाएं हैं। चलिए लग रहा है ना समांतर है, चलिए थोड़ा तिरछा होगा लेकिन आप बनाइएगा तो सीधा ही बनाइएगा। ये हमने आपसे कहा कि दो समांतर रेखा है, पैरेलल लाइन है ए बी और सी डी। समांतर रेखा क्या होता है, आप जानते हैं कि गैप बराबर हो सब जगह। जैसे रेल की पटरियां होती है तो दो पटरियों के बीच हर जगह गैप क्या होता है, बराबर। तो दोनों पटरियां पैरेलल होती हैं, समांतर होती है। तो इसी तरीके से ये दो समांतर रेखा, हालांकि लग नहीं रहा है लेकिन आप बनाएंगे तो सीधा, क्योंकि ये मैंने सबसे सीधा बनाया, अब इससे सीधा बनाऊंगा तो और टेढ़ा हो जाएगा, है ना। चलिए ध्यान देना, ये दो समांतर रेखाएं हैं और दोनों को एक तिरछी रेखा है एल एम, ये कट कर रही है। दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा है एल एम, इसे कट कर रही है। तो यहां से कुल आठ कोण अलग होंगे, कुल कितने कोण अलग होंगे, आठ। देखिए कैसे, मैं एक संकेत बना रहा हूं एक दो तीन चार, हालांकि वो डिग्री नहीं पढ़ना, वो संकेत है एक दो तीन चार। देखिए आठ कोण कौन कौन से हैं, इधर कोण हो गया एक, इधर दो, तीसरा कोण, चौथा कोण, फिर यहां से पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। कुल कितने कोण अलग हुए, आठ। कौन कौन से, एक दो तीन चार, फिर पाँच छ सात और आठ, ये कुल कितने कोण हैं, आठ कोण। बड़े ध्यान से केवल आप अवलोकन करिए, देखिए एक देखिए, आपको इसमें अतिरिक्त प्रयास नहीं करना है, एक बार जो मैं बता दूंगा बेटर समझ में आ जाएगा। ध्यान देना, इन आठ कोणों में जो कोण एक दो सात और आठ देख रहे हैं, ये कैसे कोण है, ये आपके बहिष्कोण है, बाहर है। ध्यान देना, कोण एक दो सात और आठ, ये कैसे कोण है, बहिष्कोण। और ये जो आप देख पा रहे हैं कोण चार तीन छः और पाँच, ये कैसे कोण है, अंतःकोण। बात समझिए, कोण चार तीन छः और पाँच कैसे कोण है, अंतःकोण। तो आपने देखा एक दो सात और आठ बाहर होने के कारण बहिष्कोण है, चार तीन छः और पाँच अंदर होने के कारण अंतःकोण है। तो ये बात आपने समझा, अंतःकोण और बहिष्कोण कौन कौन से हैं।
अच्छा ये नहीं सोचना ये दो हेडिंग पूरा हो गया अंतःकोण बहिष्कोण। अभी इसकी थ्योरी आप समझिएगा। थ्योरी की पहली कंडीशन मैं यहां से बोल रहा हूं, थोड़ा समझिएगा। आपको बता दें कि जब दो समांतर रेखाओं को, ध्यान देना, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो उस स्थिति में संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल। बात समझिएगा, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। ये पॉइंट आप नोट करना, मैं केवल संगत कोण लिख रहा हूं। तो ये संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर, करेस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए ये होता क्या है, थोड़ा समझिएगा। हमने लिखा कि जब दो समांतर रेखा को एक तिरछी रेखा यलियम प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। आखिर कौन से कोण बराबर है, मतलब कौन से संगत कोण है जो कि बराबर है। चलिए संगत कोणों की पहचान करते हैं। संगत कोण नाम से ही क्लियर हो गया होगा, करेस्पॉन्ड करे एक दूसरे को, कोण क्या करे, करेस्पॉन्ड। इसका सेंस क्या है, इसका सेंस ये है, कैसे कोण संगत होते हैं ध्यान सुनिएगा। ऐसे कोण जो एक ही दिशा में एक ही ओर दोनों लाइनों में स्थित हों उसको हम संगत कोण कहते हैं। मतलब दोनों लाइनों में, दो समांतर रेखाओं में एक ही तरफ एक ही ओर तथा एक ही पक्ष में बने कोणों को हम संगत कोण कहते हैं। जैसे ध्यान देना, ध्यान सुनिएगा, ए बी लाइन के ऊपर दाहिने तरफ देखिए कोण एक है। ए बी लाइन के ऊपर दाहिने तरफ कोण कौन सा है, एक। अब सी डी वाली लाइन में भी ऊपर देखिए दाहिने तरफ ही, तो सी डी वाली लाइन में ऊपर दाहिने तरफ देखेंगे तो पांच है। देखिए ए बी लाइन के ऊपर दाहिने तरफ देखेंगे तो कोण एक है और सी डी लाइन में ऊपर दाहिने तरफ देखेंगे तो पांच है। तो कोण एक और कोण पांच संगत होंगे और ये आपस में बराबर है। तो कोण एक बराबर होगा कोण पांच के। और कौन से कोण संगत है, अब ए बी लाइन के ऊपर ही देखिए लेकिन बाएं तरफ कौन सा कोण है, दो। ए बी लाइन के ऊपर बाएं तरफ कौन सा कोण है, दो। और सी डी वाली लाइन के ऊपर बाएं तरफ से कौन सा कोण है, छः। ए बी लाइन के ऊपर बाएं साइड छः दो है और सी डी वाली लाइन के ऊपर बाएं साइड छः है। तो कोण दो और कोण छः कैसे कोण है, संगत कोण, और ये बराबर होंगे। संगत का मतलब समझ रहे हैं ना, कोण दो बराबर किसके होगा, कोण छः के, ये संगत कोण होंगे। अभी तो मैंने ऊपर देखा, अब नीचे देखिए, ए बी वाली लाइन के नीचे दाहिने तरफ देखें तो कोण तीन है, सॉरी चार है। ए बी वाली लाइन के नीचे दाहिने तरफ कौन सा कोण है, चार। और सी डी वाली लाइन के नीचे दाहिने तरफ कौन सा कोण है, आठ। तो कोण चार और कोण आठ ये संगत कोण है जो कि बराबर होंगे। कोण चार बराबर कौन से, कोण आठ के। तथा अब ए बी वाली लाइन के नीचे बाएं तरफ देखिए, ए बी वाली लाइन के नीचे बाएं तरफ तीन है। ए बी वाली लाइन के नीचे बाएं तरफ तीन है और सी डी वाली लाइन के नीचे बाएं तरफ सात है। तो कोण तीन और कोण सात कैसे कोण होंगे, संगत कोण। मतलब ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बात समझ में आया कि नहीं, ऊपर दाहिने तरफ देख रहे हैं तो दूसरी वाली लाइन में भी ऊपर दाहिने तरफ, जैसे कोण एक बराबर कोण कितने के, कोण पांच के। कोण एक बराबर कोण पांच, कोण दो बराबर कोण छः, कोण तीन बराबर कोण सात और कोण चार बराबर कोण आठ, ये संगत कोण है, बराबर होंगे। तो हमसे ये नहीं पूछता कौन से संगत कोण है, इसका एप्लीकेशन अभी आप, जब मैं प्रश्न कराऊंगा तो इसका एप्लीकेशन आप समझेंगे। जब एप्लीकेशन आप करेंगे तो समझेंगे कि कौन सा कोण किसके बराबर है, और ये आप तभी समझ पाएंगे जब इस थ्योरी को देखे रहेंगे। तो चलिए, आपने निश्चित रूप से संगत कोण समझ लिया है। अब दूसरी बात करते हैं, चलिए दूसरी लाइन मैं बोल रहा हूं, नोट करिएगा। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। अल्टरनेट एंगल आपस में बराबर होते हैं। एकांतर कोण की दो प्रकृति होती है, एक तो होता है बाह्य एकांतर
और दूसरा होता है अंतःकांतर। अंतःकांतर, चलिए देखिए बाह्यकांतर और अंतःकांतर कौन से, मतलब कौन से आपस में बराबर होंगे। आपको बता दें एकांतर कोण तिरछा ट्रीट करता है कैंची जैसी स्थिति पर, जैसे गुड़ा का चिन्ह लगाइए तो एक दूसरे को लाइनें कट करती है, तो एकांतर कोण क्या होता है, तिरछा चलता है। तो देखिए बाह्यकांतर कौन सा है, पहले आप बताइए बाह्य कोण कौन सा है। 1, 2, 7 और 8 ये बहिष्कोण है, बाहर है। कोण 1, 2, 7 और 8 कैसे हैं, बहिष्कोण। तो बहिष्कोण में एकांतर देखिए कैसे चलता है, एकांतर देखिए कैसे चलता है, इसका एकांतर इधर आएगा, मतलब इसका एकांतर इधर आएगा और इसका एकांतर इधर आएगा, है ना, तिरछा ट्रीट करता है। तो बाहर का एकांतर बाहर देखिए तिरछा, तो कोण 1 का एकांतर कोण 7 होगा, बाह्य एकांतर, क्योंकि 1, 2, 7 और 8 बहिष्कोण है। तो कोण 1 का कौन सा आएगा, कोण 7, कोण 1 का कौन सा हो जाएगा, कोण 7, गुड़ा जैसे। अब कोण 2 का कौन सा हो जाएगा, कोण 8। तो ध्यान देना कोण 1 बराबर क्या होगा, तिरछा देखना इस तरीके से गुड़ा जैसे, कोण 1 बाहर का तिरछा कोण 7, तो ये एकांतर कोण है। और कोण 2 का आएगा कोण 8, तिरछा गुड़ा जैसे, कोण 2 बराबर कोण 8, ये हो गया आपका बाह्य एकांतर। अच्छा ये नहीं कहना कि ये आपका कैसा वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा, शीर्षाभिमुख जिसे कहते हैं, कोण 1 कोण 3 के बराबर, कोण 2 कोण 4 के बराबर, ये शीर्षाभिमुख हो। जब दो तिरछी रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर कट करे तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, वो शीर्षाभिमुख है, एकांतर नहीं है। एकांतर आपका ये है कोण 1 कोण 7 बाह्य एकांतर है, कोण 2 बराबर कोण 8 बाह्य एकांतर है। अंतःकांतर कौन सा, अंतःकांतर भी ऐसा देखना लेकिन अंदर का अंदर ही, जैसे कोण 4, 3, 6 और 5 अंतः कोण है, 4, 3, 6 और 5 कैसे कोण है, अंतः। तो इसका अंतःकांतर क्या होगा, कोण 4 का अंतःकांतर कोण 6 और कोण 3 का अंतःकांतर कोण 5 होगा, 4 का 6 और 3 का 5 ये बराबर होगा। तो कोण 4 बराबर कोण 6 और कोण 3 बराबर कोण 5 ये बराबर होंगे। और तीसरा पॉइंट भी समझिएगा, तीसरा और अंतिम पॉइंट समझ लीजिएगा, अब तब प्रश्न की बात करें। ध्यान देना जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा कट करे तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। जैसे ये दो समांतर रेखाएं हैं और एक तिरछी रेखा इससे कट कर रही है तो एक ही तरफ के जो अंदर वाले कोण होंगे उनका योगफल 180 डिग्री होगा, एक ही ओर के जो अंतः कोण है। तो एक ही ओर के अंतः कोण देखिए कौन कौन से हैं, ध्यान समझिएगा, एक ही ओर समझ है ना, जैसे दाहिनी ओर देख रहे हैं तो दाहिनी ओर का अंदर कोण देखिए और बाईं ओर देख रहे हैं तो बाईं ओर का अंतः कोण। जैसे 4, 3, 6 और 5 अंतः कोण है तो एक ही ओर की बात करें तो इधर दाहिनी ओर देखें कोण 4 और कोण 5 है, कोण 4 और कोण 5 है, इनका योगफल 180 डिग्री आएगा। कोण 4 और प्लस कोण 5 बराबर कितना आएगा, ये तो दाहिनी ओर के अंतः कोण है 4 और 5, बाईं ओर के अंतः कोण की बात करें तो कोण 3 और कोण 6 ये बाईं ओर के अंतः कोण है, इसका भी योगफल कितना आएगा 180 डिग्री। तो चलिए आपने अभी अंतः कोण बहिष्कोण संगत कोण और एकांतर कोण में संबंध समझा, ये थ्योरी है, आप सभी को ध्यान में रखना इसे आवश्यक है। जो स्टूडेंट अभी देर से जुड़े हैं इस थ्योरी को एक बार जब वीडियो रुक जाए तो देख लेंगे। हालांकि इसका प्रयोग अभी प्रश्न में मैं करूंगा क्रमबद्ध तरीके से। चलिए मैं इस पर पहले प्रश्न करा देता हूँ, पहले आप लोग इस पर प्रश्न देखिए कैसे बनते हैं, हमें कैसे समझना है कौन सा कोण किसके बराबर होगा। तो चलिए यहाँ से कुछ प्रश्न देखें, और ये सब याद रखने की आवश्यकता नहीं, ये खुद ब खुद हमें पता चल जाता है कौन सा कोण किसके बराबर है। ये थ्योरी आप केवल एक बार देख रहे हैं तो जो मैं बताऊंगा बहुत बेहतर आप पिक कर सकेंगे, है ना। चलिए पहले एक आसान सा प्रश्न मैं ले रहा हूं, अभी दो रेखा नहीं
एक ही रेखा पर पहले प्रश्न कराते हैं, थोड़ा ध्यान देना। चित्र में पहले देखिए, एक चित्र दिया है, यहां पे हमने लिखा है 2x+18 है, यहां पर हमने लिखा है 3x+24 और यहां पर हमने लिखा है 4x+36। तो अब हमने आपसे पूछा है तो x बराबर क्या होगा, तो थोड़ा पूरा पढ़ पा रहे हैं जी? सही है। यहां से ध्यान देना, हमने इधर जो कोण दिया है डी सी ए, ये है 2x+18 है, 2x+ कितना है 18, और बीच में है 3x+24 है और यहां पे है 4x+36। हमने आपसे पूछा कि x का मान क्या होगा, तो चलिए अच्छा एक चीज देखें। आप जानते हैं कि जैसे कोई सरल रेखा है और यहाँ पर मान लिया कोई बिंदु है P, यहाँ कोई बिंदु P है, तो इसके एक ही ओर के कोणों का योगफल कितना होगा 180 डिग्री। ये कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि हम सभी जानते हैं पूरा राउंड क्लॉक, पूरा एक गोल चक्कर होता है तो 360 डिग्री होता है, पूरा एक राउंड क्लॉक एक गोल चक्कर कितना होता है 360। तो अब ये हाफ सर्किल हो तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर हाफ सर्किल बन रहा है कि नहीं, ये वाला पार्ट यदि हम कट करके निकाल दें तो ये कितना बनेगा 180। यही रैखिक युग्म है। तो रैखिक युग्म का डेफिनेशन क्या होता है, किसी सरल रेखा या सीधी रेखा पर स्थित किसी बिंदु के एक ही ओर के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, चाहे ऊपर की ओर देखें चाहे नीचे की ओर, है ना, एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल कितना होगा 180 डिग्री, है ना। तो अब ध्यान देना, यदि इस तीनों कोणों को हम जोड़ लें, ये थोड़ा मैंने डार्क कर दिया, ये पूरा जोड़ दें तो एक अर्धवृत्त हुआ कि नहीं। देखिए यदि ये कोण, ये कोण और ये कोण, यदि तीनों कोणों को जोड़ दिया जाए तो सभी का योगफल कितना आएगा 180। तो अब सोल्यूशन देखिए कितना सिंपल है। पहले इधर का कोण देखें तो 2x+18 है, कितना है 2x+18 है, ये एक तरफ इधर का हो गया। अब बीच वाला कितना है 3x+24, इसको भी जोड़ दीजिए, बीच वाले को भी जोड़ दीजिए, और इधर दाहिने साइड एक कोण और है 4x+36, 4x+ कितना है 36। बात समझ रहे कि नहीं? तो अभी ध्यान देना, 2x+18 ये कोण और 3x+24 ये कोण और 4x+36 ये, और तीनों का योगफल मिलकर एक अर्धवृत्त बनाएगा, मतलब इस तीनों का योगफल 180 डिग्री के बराबर है। बस आप जोड़ लीजिए, पहले x जोड़िए, 2x+3x 5x हो गया, +4x कितना हो गया 9x, अब प्लस अंकों को जोड़िए तो 6 4 10 8 18, हाँ से लगा 1 3 और 1 4 2 6 और 1 हो गया 7, बराबर कितना 180। बात समझे ना? ये पहले हमने x को जोड़ा तो 2x और 3x कितने हो गए 5x और 4x ये 9x हो गया, अब अंकों को जोड़ा तो 6 4 10 8 18 हासिल 1 3 1 4 2 6 और 1 7 78, 78 उधर माइनस होगा तो 9x बराबर कितना आएगा 102 आएगा। तो x बराबर कितना आया 102/9, है ना। 102 कैसे हुआ समझे ना, +78 वहां जाएगा माइनस होगा तो कितना आएगा 102। अब भाग करिए 9 1 का 9, 1 बचा 12, फिर 9 1 का 9, 3 बचा 30, 9 3 27, 3 फिर 9 3 27, ये हमारा आंसर हो जाएगा 11.33 डिग्री, ये x का वैल्यू होगा। तो x का मान कितना आएगा 102/9, 9 1 का 9, 1 12, फिर 9 1 का 9, भाग गलत हो गया, देखिए 9 1 का 9, 1 बचा 12 हो गया, फिर 9 1 का 9, 3 30, 9 3 27 सही था 11.33, ये हमारा
एग्जैक्ट आंसर हुआ। चलिए इस तरीके से कुछ प्रश्नों को हम देखें। बस ये मैं बताना चाह रहा था कि एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। जैसे यहाँ पर ऊपर तीनों कोणों को जोड़ लें तो ये हाफ सर्किल बनाएंगे, योगफल 180, तो इसमें कुछ करना ही नहीं था। एक चलिए बेसिक प्रश्न और देखते हैं। चलिए अभी ध्यान देना, हमने लिखा है कि चित्र में ए बी समांतर है सी डी के। चलिए यहां पे हमने एम एन पी, देखिए चित्र में हमने दिखा है कि ए बी जो है ये पैरेलल है किसके, सी डी के। घबराइए नहीं, बहुत ही आसान सवाल है। ए बी समांतर है किसके, सी डी के। और यहां से मैंने एक कोण दिया है 53 डिग्री और यहां से मैंने लिखा है 110 डिग्री और ये हमने थीटा आपसे पूछा है। मतलब ध्यान देना, थीटा का मान क्या होगा। चलिए आप प्रश्न ध्यान समझ पा रहे हैं। चित्र में ए बी जो है ये समांतर है सी डी के और यहां पर एक तिरछी रेखा यम एन है और यहां से यम और पी है। ये कोण आपका 53 डिग्री दिया हुआ है और ये वाला कोण 110 है, तो हमसे ये बीच में थीटा कोण पूछा गया। हल करने के कई कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। एक चीज आप जानते हैं, मैंने अभी अभी बताया था, जैसे दो समांतर रेखा हो और दोनों को एक तिरछी रेखा कट करे तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल 180 होता है कि नहीं। एक ही ओर के अंतःकोण समझ है ना, जैसे ये कोण और ये कोण, यदि दोनों कोणों को अंदर वालों को जोड़ लिया जाए तो योगफल 180 आएगा। जैसे मान लिया ये कोण हमें निकालना है, हमने यक्ष माना, तो आप जानते हैं इन दोनों का योगफल 180 होगा। कैसे, ए बी और सी डी दो समांतर रेखा है और दोनों को एक तिरछी रेखा यम पी कट कर रहा है। ए बी और सी डी दो समांतर रेखा है और दोनों को एक तिरछी रेखा यम पी, मध्य प्रदेश नहीं समझना, यम पी कट कर रहा है, तो एक ही ओर, चलिए दाहिनी ओर देखें x है और 110 है, इसका योगफल कितना आएगा। x और 110 का योगफल निश्चित रूप से 180 होगा। एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल 180, तो 110 और x दोनों का योगफल 180 आएगा, तो x बराबर कितना गया 70, मतलब x का मान हो गया 70 डिग्री। अब आप समझिए, ये तीनों कोणों को जोड़ दिया जाए, कौन कौन से, 53 डिग्री प्लस थीटा प्लस 70 डिग्री, तो योगफल 180 आएगा, क्योंकि अर्धवृत्त बन रहा है, जो कॉन्सेप्ट अभी अभी मैंने बताया। तो अब देखिए, अब आप कह सकते हैं कि 53 डिग्री यहां से 53 और बीच में प्लस थीटा है और प्लस इधर है 70 डिग्री, इन तीनों का योगफल कितना आएगा 180 आएगा कि नहीं। तो थीटा बराबर कितना हो गया 7, 5, 12, 123 उधर जाएगा, तो 180 में से 123 घट जाएगा, 23, 7, 30, 57, 10 में से 3 गए 7, 17 में से 12 गए 5, थीटा का मान 57। तो बात समझे, थीटा का मान 57 आप कई मेथड से हल कर सकते थे। देखिए बस केवल कॉन्सेप्ट पता हो, देखिए कैसे और किस तरीके से हल कर सकते हैं। ये तो आप समझ गए ना कि दो समांतर रेखा है और एक तिरछी रेखा कट कर रही है, तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल 180 होगा, तो 110 दिया ही है तो ये 70 हो जाएगा। तो अब 53 प्लस थीटा प्लस 70 यदि तीनों को जोड़ दे तो योगफल 180 आएगा, क्योंकि यहाँ हाफ सर्किल बन रहा है, तीनों को जोड़ दे रैखिक युग्म के डेफिनेशन से, तो 53 प्लस थीटा प्लस 70 बराबर 180 हो गया, तो थीटा बराबर कितना गया 57। आप ऐसे भी हल कर सकते थे, ये 53 है तो इधर भी कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, ये 110 है तो अंदर 70 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी रैखिक युग्म बन रहा है अर्धवृत्त। तो अब थीटा प्लस 53 प्लस 70 त्रिभुज की तीनों अंतः कोण है और त्रिभुज की तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 होता है। यम एन पी त्रिभुज है कि नहीं, यम एन और पी,
तो त्रिभुज के तीनों अंतकोणों का योगफल 180 थीटा प्लस 53 प्लस 70, वही चीज फिर से यार, योगफल 180। तो चाहे जैसे समझिए, एक प्रश्न में और लिख रहा हूं, ध्यान देना। कुछ प्रश्न अभी मैं करा दे रहा हूं, आपका बेहतर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। लाइन एंगल जो रेखा और कोण से रिलेटेड प्रश्न है, यदि बना तो आप चूकेंगे नहीं, निश्चित तौर पे हल कर लेंगे। फिर से एक बार कहेंगे, जो पार्ट वन पार्ट टू स्टूडेंट अभी देख नहीं पाए हैं वो जरूर देख लीजिएगा, तो आपका ज्यामिति पर बेटर, बहुत बेटर पकड़ हो जाएगा, है ना। चलिए मैं एक प्रश्न यहां से और जनरेट कर रहा हूं, ध्यान देना। चित्र में ए बी समांतर सी डी बराबर ई एफ है, ध्यान देना प्रश्न। ये हो गया ए बी, ये समांतर सी डी, और ये भी समांतर है किसके, ई, और ये है एफ। अच्छा, ये वाला कोण मैं 72 डिग्री दे दूं, और यहां एक जो छोटा सा कोण अंदर बन रहा है ये मैं 18 डिग्री दे दूं, है ना। अब आपसे ये पूछूं कि ये थीटा का मान क्या है। देखिए पार्ट आप केवल समझिएगा, बहुत आसान सवाल है, आप ऐसे प्रश्नों को कैलकुलेट नहीं किया करें, आप केवल देख के रिजल्ट बता सकते हैं, थोड़ा समझिएगा कैसे। अच्छा एक चीज बताइए, जैसे दो समांतर रेखा है और एक तिरछी रेखा कट करती है, तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण बराबर होंगे। एकांतर कोण दो प्रकार का होता है, एक वाह एकांतर होता है और एक अंत एकांतर होता है। मैंने बताया था एकांतर तिरछा चलता है, जैसे इसका एकांतर इधर आएगा और इसका एकांतर इधर आएगा। तो अभी ध्यान देना, ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ये और ये एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण समझ है ना, कौन से, ये इसका एकांतर अंत एकांतर इधर बनेगा। मैंने बताया तिरछा चलता है, इसका इधर बनेगा और इसका इधर। जैसे ध्यान देना, ये एक्स वाई पी और क्यू है, तो यक्ष का एकांतर P बनेगा और Y का एकांतर Q बनेगा। मेरे कहने का मतलब समझिए, जैसे AB और CD दो समांतर रेखा है कि नहीं, AB और CD ये दो समांतर रेखा है, दोनों को एक तिरछी रेखा कट कर रही है। कौन सी तिरछी रेखा, BC वाली रेखा दोनों को कट कर रही है। AB और CD दो समांतर रेखा है और दोनों को एक तिरछी रेखा BC कट कर रही है, तो एकांतर कोण बराबर होंगे। कौन से एकांतर कोण, ये 72 डिग्री है, तो ये पूरा मिलाकर ये भी कितना आएगा, ये पूरा मिलाकर आएगा 72 डिग्री, आएगा कि नहीं। ये जब 72 डिग्री है तो ये पूरा मिलाकर ये भी कितना आएगा, 72। मतलब ऊपर वाला कोण जो 18 डिग्री है और नीचे वाला जैसे मान ले एक्स है, तो 18 और यक्स दोनों को जोड़ दें तो किसके बराबर हो जाएगा, 72 के, हो जाएगा कि नहीं। जैसे सोल्यूशन देखिए, ये तो कोण पहले से दिया है 18 डिग्री आपका, ये कोण पहले से दिया है, तो ऊपर 18 है नीचे यक्स है, तो 18 और यक्स दोनों का योगफल कितना आएगा, 72। कैसे, किस कॉन्सेप्ट से, ये एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल है कि नहीं। तो अब यक्स बराबर कितना आ गया, 54 डिग्री। कैसे, 18 उधर दाहिने तरफ जाएगा तो घट जाएगा, तो 72 में से जब 18 घटाएंगे 54 आ जाएगा, मतलब ये x का मान कितना गया, 54 डिग्री। इसमें तो कोई डाउट है नहीं। अब हम जानते हैं, अंतिम लाइन है, ध्यान से समझिए, हम जानते हैं कि यदि दो समांतर रेखा है और एक तिरछी रेखा कट कर रही है, तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 होगा। एक ही ओर मतलब जैसे इधर का x और इधर का q ये जोड़ेंगे तो 180 आएगा दाहिनी ओर के, अब बाईं ओर के अंतःकोण y और p दोनों का भी योगफल 180 आएगा। तो यहां ध्यान देना, ef भी समांतर है cd के, ef भी समांतर है किसके, ef समांतर है cd के, और दोनों को एक तिरछी रेखा है ac जो कि कट कर रही है,
एफ और सी डी समांतर रेखा है और ए सी से कट कर रहा है तिरछी रेखा, तो एक ही ओर के अंदर कोण, एक ही ओर के कौन कौन से अंतर कोण है, एक्स है और थीटा, तो एक्स और थीटा का योगफल कितना होगा 180 डिग्री होगा कि नहीं। सी डी और ई एफ समांतर रेखा है, तिरछी रेखा कट करी है, तो एक ही ओर के अंदर कोण थीटा और एक्स का योगफल 180 होगा। तो एक्स का मान हमें पता है, एक्स का मान कितना है 54, तो 54 प्लस थीटा बराबर 180, तो थीटा बराबर 126 डिग्री आ गया, ये आंसर। 26 कैसे आया, 54 उधर जाएगा तो घट जाएगा, 180 में से ये 54 घटेगा तो 126 आएगा, तो थीटा का मान कितना होगा, ये जो ये वाला कोण है ये आपका आ जाएगा 126। आप इसे एक बार फिर से प्ले करना, बहुत ही सिंपल सवाल है। एक सवाल और देख लेते हैं, अब इस पर जो भी प्रश्न बनेगा आप निश्चित तौर पर हल कर लेंगे, है ना। चलिए ध्यान देना, एक सवाल में लिख रहा हूं, आप लेटा हुआ यम बनाइएगा, घबराइए नहीं, ये है ए बी सी और डी, हमने लिखा है ए बी और सी डी दोनों पैरेलल हैं, और यहां मैंने कोण दे दिया है, सॉरी ये बिंदु जो है ई है। अच्छा इधर का कोण मैं दे दूं 40 डिग्री है और इधर का कोण मैं दे दूं 30 डिग्री है, तो हम आपसे ये पूछें कि ये थीटा क्या है। तो चलिए ध्यान देना, इसमें हमने एक जानकारी दिया है कोण ए बी ई 40 डिग्री है, कितना है 40 डिग्री, कौन सा ए बी और ई 40 डिग्री है, सी डी और ई कितना है 30 डिग्री, सी डी और ई कोण सी डी ई है 30 डिग्री, तो हमसे थीटा कोण पूछा है क्या होगा। तो चलिए देखिए कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल सवाल है। एक चीज ध्यान देना, यहां से बिंदु ई जो आप देख रहे हैं यहां से कोई रेखा होकर नहीं गई है, तो आप एक इमेजिन करें, एक काल्पनिक रेखा खींच दीजिए, ऐसी काल्पनिक रेखा खींचिए यहां से कि जो ए बी और सी डी दोनों के पैरेलल जाए, दोनों के समांतर जाए बीचों बीच, देखिए कैसे। ऐसा कर लेने से सहूलियत होगा, आसानी से आप समझ सकेंगे। तो हमने क्या किया, बिंदु ई से कोई रेखा होकर नहीं गई है, आपका उत्तर वैसे आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सवाल है। तो देखिए हमने क्या किया, बिंदु ई से एक काल्पनिक रेखा खींचा, बिंदु ई से एक काल्पनिक रेखा खींचा, कौन सा एलएम, ये एक इमेजिनरी लाइन है काल्पनिक रेखा, और ये ए बी और सी डी दोनों के पैरेलल में जा रही, दोनों के समांतर ठीक बीचों बीच इस तरीके से। अब ऐसा कर लेने से कैलकुलेशन बेहद सामान्य हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं, कैसे, ये कोण 40 डिग्री है तो ऊपर जैसे हम यक्स कह दें, ये पूरा हमें थीटा बताना है, ये पूरा थीटा है तो ये बताना है। तो एक चीज ध्यान देना, ये जो कोण पूरा है थीटा है, ऊपर हम यक्स मान लेते हैं और नीचे वाई मान लेते हैं, तो इसका मतलब यक्स और वाई को जोड़ दे तो इस पूरे थीटा के बराबर हो जाएगा, मतलब यदि यक्स और वाई को जोड़ दिया जाए तो ये किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के, क्योंकि ये पूरा थीटा है ये, और ऊपर यक्स माना नीचे वाई माना, तो यक्स और वाई का योगफल ये पूरे थीटा के बराबर होगा। तो देखिए कितना सिंपल है, हम सभी जानते हैं कि दो समांतर रेखा को एक तिरछी रेखा कट करे तो एकांतर कोण बराबर होंगे, जैसे इसका एकांतर इधर आएगा और इसका एकांतर जो आएगा वो इधर आएगा, तिरछा, इसका एकांतर इधर, इसका एकांतर इधर। तो ध्यान देना, जैसे ए बी समांतर है यलियम के, ध्यान देना ए बी समांतर है किसके, यलियम के,
तो अब ये कोण 40 डिग्री है, तो ये ऊपर जो यक्ष है ये भी 40 डिग्री ही होगा, क्योंकि 40 डिग्री का जो एकांतर बनेगा वो एक्स बनेगा। अतः हम कह सकते हैं कि 40 डिग्री जो है वो एक्स के बराबर होगा, 40 डिग्री का एकांतर यहाँ एक्स बनेगा, बनेगा कि नहीं। तो इसी प्रकार से सी डी भी समांतर है एलियम के, ये सी डी समांतर है किसके, एलियम के, और दोनों को एक तिरछी रेखा कट कर रही है। कौन सी तिरछी रेखा, डी ई, ये कट कर रही है। तो ये कोण 30 डिग्री का है और ये कोण y डिग्री का है, तो 30 डिग्री का एकांतर y आएगा। अतः 30 डिग्री का एकांतर y आएगा और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यक्ष का मान 40, y का मान 30 आ गया, तो हमसे ये पूरा थीटा पूछा गया है। तो थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, x और y, ऊपर का कोण और नीचे का कोण जोड़ दीजिए आ जाएगा। तो ऊपर का कोण कितना है, मतलब x का मान 40 और y का मान 30 जोड़ दीजिए, 70 डिग्री आ गया, ये हमारा उत्तर हो गया, है ना। तो आप लोगों ने बेशक हल कर लिया होगा, तो इसमें विशेष कुछ है नहीं। एक बार इस पूरे लेक्चर को आप फिर से देख लें तो मेरे ख्याल से रेखा और कोण से इस तरीके से जो चित्र वाले सवाल हैं एकाध बिल्कुल बनते भी हैं, और यदि ऐसे प्रश्न बने तो आप बेशक हल कर लेंगे। बस कॉन्सेप्ट आप एक बार देख रही है। तो यहाँ पर फिर से एक बार जो पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखे एक बार देख लीजिएगा। रेखा कोण और बहुभुज का ज्यामिति पूरा सेक्शन हमने आपको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा दिया है। तो कैसा लगा ये पूरा तीनों लेक्चर, आप हमें जरूर कमेंट दें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, उससे आप संख्या थोड़ा सा जब ज़्यादा हो जाता है तो अगली क्लास में और इंटरेस्ट आता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।